आज हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट? ब्रॉडली जो एनवायरनमेंट के टाइप्स है वो कैटेगराइज किए गए हैं एज नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसमें नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं। नेचुरल कंपोनेंट्स, किसी भी एनवायरनमेंटल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल जो क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो जो उसमें किसी भी नेचुरल जो नेचुरली ऑकर होते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक, एबायोटिक जो एक नेचुरल प्रोसेस से क्रिएट होते हैं। तो उसके अलावा ये नेचुरल एनवायरनमेंट में किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल कोई भी फॉरेस्ट है, फॉर एग्जांपल उसमें लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स है एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय क्लाइमेट। तो ये जो है विदाउट द सपोर्ट ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन के सपोर्ट के बिना भी एग्जिस्ट करता है, सस्टेन करता है, तो इज़ ए नेचुरल एनवायरनमेंट। उसके अलावा जो मैन मेड एनवायरनमेंट है इसमें जो है ह्यूमन मॉडिफिकेशंस जो होती है, तो उस मॉडिफिकेशंस का कैसे आती है? जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उसकी वजह से मैन क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर जो इकोसिस्टम है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, एक फील्ड में आप प्लांट्स लगाते हैं, मीन्स कि आप जो है कोई भी प्लांट स्पीशीज किस फील्ड में होगी तो आप वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद आप इनपुट्स देते हैं उसमें, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स देते हैं, वाटर देते हैं, मींस द एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट जो भी है। अब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम होता है वो, तो वो रेगुलेट करता है ह्यूमंस। अगर वो ह्यूमंस उसको रेगुलेट नहीं करेंगे देन उसको नेचर ऑक्यूपाई करेगा, तो वहाँ पे वीड्स वगैरह ग्रो होना स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फिश एक्वेरियम है, फिश फार्मिंग वगैरह है, ये भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायर, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशंस आ जाती है जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के जरिए। तो ये था कि मैन मेड एंड जो नेचुरल एनवायरनमेंट है। उसके बाद हमें इसमें एक और चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी आगे जाके, मैन मेड एंड ह्यूमन, जो ह्यूमन इंटरवेंशन होती है किसी भी इकोसिस्टम में, मीन्स कि आर्टिफिशियल और नेचुरल इकोसिस्टम्स। तो इन इकोसिस्टम्स जो टर्म है ये समझने के लिए हम आगे जब देखेंगे तो आपको वो डेफिनेशन के कंपोनेंट्स अच्छे से समझने हैं, तो उसके बेसिस पे ही जो अदर उसमें टॉपिक्स है इस सब्जेक्ट में वो आपको तभी समझ आएंगे जब आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे वो अच्छे से डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे अब कंपोनेंट्स किसी भी एनवायरनमेंट, चाहे वो मैनमेड हो या नेचुरल एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। बायोटिक जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स है, एनर्जी जो है, तो इसमें एनर्जी के अलावा जैसे फोर्सेस वगैरह हमने कहा था एक्सटर्नल या नेचुरल फोर्सेस है, या ह्यूमन और जो ओरिएंटेड फोर्सेस होते हैं वो हो सकते हैं। तो ये पूरा जो एनवायरनमेंट रिवॉल्व करता है अराउंड ये जो तीन कंपोनेंट्स है। अक्सर आप जो जब तक हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे तब तक आपको ये तीन तीन टर्म्स सुनने को मिलेंगी, एबायोटिक, बायोटिक एंड एनर्जी और फोर्सेस या क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको सुनने में मिलेगी। तो एबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट में क्या क्या आता है? जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मैंने जैसे मैंने कल भी कहा किसी भी ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी है या प्लांट्स की, एनिमल्स की बॉडी है, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स डायरेक्टली और इंडायरेक्टली जो इंटरेक्ट करते हैं विद द बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम एयर, हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं डायरेक्टली, वी आर इंटरेक्टिंग विद द एटमोसफियर। जो एयर है हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, फिर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मीन्स वी आर इंटरेक्टिंग विद अवर फिजिकल कंपोनेंट एनवायरनमेंट। तो उसके अलावा जब फिर जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, वो कैसे बर्न होते हैं, तो फिर ये एक साइक्लिक पैटर्न है कि
बॉडी में, हमारे बॉडी में जो चीज आएगी वो एक साइकिल पैटर्न में फिर से फिजिकल कंपोनेंट्स में आ जाती है। फॉर एग्जांपल हम हाँ जो है ऑक्सीजन अंदर ब्रीथ इन करते हैं, देन ये एक्सचेंज होता है विद द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और वो ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं वाया स्टोमेटा टू द एटमोसफेयर, मीन्स ए साइक्लिक पैटर्न। तो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वैसे ही हम जब फूड जो इंटेक करते हैं, फूड जो डाइजेस्ट होता है बॉडी में, तो वो ब्रेक डाउन होता है, वहाँ से एनर्जी निकलती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स फिर हम जो है डायरेक्टली जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें छोड़ते हैं, फिर वो डिकम्पोज होता है, चाहे वो हमारे बॉडी से कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकलता हो या हमारी ही बॉडी हो, कोई ह्यूमन बॉडी है या प्लांट, वो डिकम्पोज होती है और फिर से एनवायरनमेंट में चली जाती है, फिजिकल एनवायरनमेंट। तो वो फिर से वो जो मिनरल्स है वो एक्सचेंज होते हैं। तो सेकंड कंपोनेंट इज ये एबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, इसमें और भी तीन कैटेगरीज है, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर इट पर्टेन्स टू द एयर जो अपर क्रस्ट में, जो ऊपर क्रस्ट के ऊपर जो हमारा जिसमें हम बेसिकली रहते हैं, तो एटमॉस्फेयर जो हवा है उसका कंपोजिशन जो है नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, एंड ऑर्गन 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 0.03% थी या 300 पार्ट्स पर मिलियन, या तो ये तकरीबन 0.03 हिस्से 100 में थे या 1 लाख में ये 300 हिस्से होते थे, बट ये अब इंक्रीज हो गया, ये 0.04% हो गया। तो ये बेसिकली ये कंपोशन है एटमॉस्फेयर का, बट ये जो है एक्सटेंड कहाँ तक करता है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टिल 500 किलोमीटर्स। ये हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, किस जो है ऑल्टीट्यूड पे कौन सी लेयर है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, उसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल जो जो कॉमन जो मतलब मीन्स होमोजेनाइज कंपोजिशन है, मीन्स कि अगर आप यहाँ पे 78% देखेंगे, अमेरिका में जाएंगे वहाँ पे भी 78% आपको ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन भी वैसे ही 21% मिलेगा और अदर गैस। उसके बाद होते हैं कुछ वेरिएबल गैसेस जो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से, वाटर वेपर, वाटर वेपर की कंसंट्रेशन 1 to 4% होती है। अगर आप टेम्परेट क्लाइमेट जहाँ पे गर्मी बहुत कम होती है वहाँ पे इवापोरेशन रेट बहुत कम होती है, एंड देन वाटर वेपर कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में वो भी कम होता है नेचुरली। अगर हम कोस्टल एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पे वाटर वेपर कंटेंट इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन, एंड वहाँ पे ओशन जो है वो भी नज़दीक है, तो वहाँ पे जो है नेचुरली वाटर वेपर कंटेंट अराउंड 4% होता है। तो वो गैसेज डिफर करते हैं। तो अब जो नाइट्रोजन है ये तो 71%, अब 21% जो है ऑक्सीजन मेनली कहाँ से आता है, ये होल एंड सोल फ्रॉम द प्लांट्स, जो हमारे ग्रीन जो लीफ प्लांट्स होते हैं वहाँ से आता है। अब ये एक सोचने वाली बात ये है कि विंटर्स जो डेसिडियस टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं जो उनके पत्ते झड़ते हैं फॉर एग्जांपल, तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है उस टाइम, तो ऑक्सीजन की स्केरसिटी नहीं होती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहती है पूरे साल 21% ऑन एन एवरेज। तो ये सवाल मैंने अपने बचपन में पूछा था एक टीचर से, तो उसका जवाब मुझे तकरीबन जब मैं 12th में था उस टाइम मिला। तो ये क्या होता है, ग्लोबल जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, मीन्स कि ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है ज़्यादा, मीन्स कि कौन से प्लांट ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते टू द एटमोसफेयर, ये होता है 80% ऑफ ऑक्सीजन जो होता है आता है फ्रॉम ओशंस। ओशंस में छोटे छोटे जो एल्गी होते हैं, मैक्रो एल्गीज होते हैं, माइक्रो एल्गीज होते हैं, उनसे आता है बिकॉज जो ओशंस जो है तकरीबन जो है तीन हिस्से तीन चार चार हिस्सों में तीन हिस्से जो ओशंस कवर करता है, तो ओशंस एक बड़ा पार्ट है। तो वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स है, एल्गी है, सी ग्रासेस है, मैंग्रोव्स है, तो वहाँ से 80% ऑफ ऑक्सीजन आता है। और जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम वो आता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट से, जिसको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है।
तो उसके बाद जो डिफरेंट लोकेशंस पे एवरग्रीन फॉरेस्ट्स भी होते हैं, डेसिडियस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मेजर पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम ओशंस एंड अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो ये हमेशा याद रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपके लिए कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ एनवायरमेंटल साइंस के 10 क्वेश्चन होते ही होते हैं जो जनरल नॉलेज से पर्टेन करते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखेंगे, उसमें 5 लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर। अब इनके ऑल्टीट्यूड्स भी ऑन ये एवरेज है कि 0 मीन्स मीन सी लेवल जो है वहाँ से लेके 18 किलोमीटर की रेंज तक जो एटमॉस्फेयर लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर क्या कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर जो है तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब वो ऊपर जाता है 18 किलोमीटर के आसपास, तब उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है उस लेयर का, -56 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो उसमें मेनली कौन से गैसेस होते हैं जो मैंने अभी कहा, उसमें नाइट्रोजन 78% होता है, और वाटर वेपर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और उसमें ऑक्सीजन होता है। तो ये जो गैसेस है इसके बगैर, वाटर के बगैर, ये कॉन्स्टेंट होता है, ये सब तीन कॉन्स्टेंट होते हैं। तो उसके बाद जब हम और ऊपर जाते हैं 18 to 50 डिग्री सेल्सियस, ये जो किलोमीटर फ्रॉम यहाँ से जाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे -56 से टेम्परेचर -2 जाता है। तो हम अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस कि टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है, फिर इंक्रीज क्यों होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर क्या है, जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन है, जिससे स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अल्ट्रावायलेट उसके बाद हम जब और ऊपर जाते हैं उसको मीजोस्फेयर बोलते हैं। इट एक्सटेंड टू 85 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर डिक्रीज होता है, यहाँ पे -2 से -9 92 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और इसमें जो मेजर गैसेस होते हैं इन द आयोनिक फॉर्म होते हैं, आयोनिक मीन्स चार्ज्ड फॉर्म में होता है, उसमें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो उसके आयन्स होते हैं प्रेजेंट। और जब उसके और ऊपर जाते हैं हम, इट एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर, उसको थर्मोस्फेयर कहते हैं। तो टेम्परेचर उसके बाद इंक्रीज होता है, ड्रास्टिक इंक्रीज होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो यहाँ पे ये जो है आयनिक फॉर्म में और भी होते हैं ये पार्टिकल्स। तो फिर एग्जोस्फियर एक्सटेंड अप टू 1600 किलोमीटर्स। तो इसमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि ये आउटर स्पेस है। तो यहाँ पे जो अदर जो रेडिएशंस है बिसाइड्स जो सोलर रेडिएशन, अदर जो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं वो भी आती हैं उसमें, एक्सरेज वगैरह। यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होती है। यहाँ पे अगर देखो आप, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें ओजोन रोकता है, यहाँ पे कोई भी ऐसी लेयर नहीं है जो हमें जो है बचा सके। तो यहाँ पे मेजर जो गैसेस है हीलियम एंड हाइड्रोजन पाए जाते हैं, बट इन माइन्यूट क्वांटिटी, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है इनकी। तो उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे एटमॉस्फेयर का, तो ये जो एक्स एक्सीज है यहाँ पे जो टेम्परेचर हम यहाँ पे मैंने दिखाया है, इट इज यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हमने बीच में रखा है, देन इट गोज अप टू -100 और यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो जो वाई एक्सीज है ये ऑल्टीट्यूड है इन किलोमीटर्स, 0 to 120 किलोमीटर्स तक यहाँ पे हमने बताया है। उसके बाद यहाँ पे जेड एक्सीज जो है, और जो ये है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो इसका किस ऑल्टीट्यूड पे कितना प्रेशर है, तो ये यहाँ पे भी हमने जो है इसको लीजेंड में दिखाया है कि किस किलोमीटर कितने किलोमीटर पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ऑल्टीट्यूड और टेम्परेचर की रिलेशन को डिस्कस करने से पहले हम जब देखते हैं यहाँ पे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज
जो हाइट इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो जो मीन सी लेवल है, जो जहाँ पे तकरीबन प्रेशर है 1000 मिलीबार्स, तो उसके बाद मिली होता है 1000, 1/1000, तो यहाँ पे 1 बार भी कह सकते हैं, 1 बार। बार जो है यहाँ पे एक जो है यूनिट है प्रेशर का। तो फिर जब हम ऊपर जाते हैं 10 किलोमीटर, तो प्रेशर डिक्रीज होता है 10 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे खाली 100 मिलीबार्स है, देन 20, 10 मिलीबार्स। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर जो है, जहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर डिक्रीज मतलब एंड होता है, वहाँ पे 1 मिली बार है, तो ग्रेजुअली ये डिक्रीज होता जाता है। तो अक्सर जो हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है। तो इसमें एक एग्जांपल है, अगर आप दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे जो सब्ज़ी वगैरह है बहुत ईजीली बनती है, बिकॉज वहाँ पे जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है, एटमोसफेरिक प्रेशर, क्योंकि उसका जो ऑल्टीट्यूड है तकरीबन 430 मीन सी लेवल से है। तो जो श्रीनगर की अगर हम देखेंगे तो इट इज़ अप टू 1600, तो इसमें बहुत डिफरेंस है, तकरीबन 1100 जो है मीटर्स की डिफरेंस है, मीन्स 1100 मीटर्स तक प्रेशर डिक्रीज होता है। तो जो सब्जी वगैरह जो कुकिंग जो टाइम है इंक्रीज होता है, बिकॉज प्रेशर जो होता है एटमोसफेयरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। जब हम प्रेशर कुकर में कुछ पका रहे हो तो प्रेशर की वजह से वो जल्दी पकता है। तो वहाँ पे जो लोअर ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, वहाँ पे नेचुरली जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी हेल्प करता है इन द कुकिंग। तो ये एक पार्ट था। तो यहाँ पे मेजर हम जब डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर की क्या रिलेशन है विद ऑल्टीट्यूड इन एटमॉस्फेयर, तो मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस से क्यों स्टार्ट करते हैं। जो अर्थ का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर है, चाहे पोलर हो या इक्वेटोरियल रीजन है, इनका एवरेज मिला के अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है इट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस, +15। तो ये 15 डिग्री सेल्सियस है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस जो नेचुरली ऑकर करते हैं, जिसमें वाटर वेपर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, जो इंडस्ट्रियल एरा जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये एक ग्रीन हाउस टेम्परेचर इसको बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते एम्बियंट नॉर्मल कंडीशंस में, तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता। अगर एटमॉस्फेयर हमारे जो में गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह नहीं होते, तो अर्थ का जो टेम्परेचर होता वो -18 डिग्री सेल्सियस होता। तो -18 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। मीथेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, वाटर वेपर भी इंपॉर्टेंट है। तो बट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इनकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिनकी वजह से जो रेडिएशंस है वो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन, तो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बट नॉर्मल कंसेंट्रेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो -18 डिग्री सेल्सियस, जब 80 एवरेज टेम्परेचर अगर होता तो इट वॉज वेरी इम्पॉसिबल महाल होता कि कोई जो है खाल मतलब कोई भी स्पीशीज जो है उसका एम्बिएंट टेम्परेचर होता -18 में, कुछ बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करते हैं, बट आई गेस कि ह्यूमंस का जो लाइफ होती वो बहुत ही डिफिकल्ट होती। तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस से हम इंक्रीज जब ऊपर ऊपर जाते हैं अप टू 10 किलोमीटर्स और 11 किलोमीटर्स, यहाँ पे मानो इसका जो ऑल्टीट्यूड होता है आपको बहुत बुक्स में डिफरेंट मिले, बिकॉज ये एक कॉन्स्टेंट नहीं है, पोल्स पे ये डिफरेंट जो है इसका ऑल्टीट्यूड जो है स्प्रेड ट्रोपोस्फेयर का डिफरेंट है, एंड इक्वेटर पे डिफरेंट है। इक्वेटर पे ये इसका जो ऑल्टीट्यूड लेवल होता है बहुत कम होता है, और पोल्स पे ज़्यादा होता है। तो जब हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है अप टू -56, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है, ये इसकी ये वजह है कि बिकॉज जो कंसंट्रेशन जब हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो जिसकी वजह से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो कैप्चर नहीं होती है और उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो यही लेयर है, इसी 10 किलोमीटर जो एविएशन वगैरह होते हैं आपके, जो जितने भी
एयरक्राफ्ट्स वगैरह है, वेदर जो पैरामीटर्स होते हैं या वेदर कोई भी इवेंट्स होते हैं वो इसी इसमें होते हैं। अगर आप में से किसी ने बाय एयर ट्रैवल किया हो तो जब भी आप बाहर जो देखते हैं ना एयरोप्लेन की खिड़की से, तो आपको दिख जाएगा एक डिस्टिंक्ट लेयर जिसके ऊपर आपको क्लाउड्स नहीं मिलेगी, पूरा आपको ब्लू स्काई मिलेगा। इस टाइप का पूरा ब्लू मिलेगा, कोई भी एक डॉट भी नहीं मिलेगा क्लाउड्स का। और उसके नीचे एक जैसे लगता है लाइन जैसी खींची है, उसके नीचे क्लाउड्स होते हैं, तो वो होता है बेसिकली आपका ट्रोपोपॉज। ये बेसिकली इस जो लेयर में एयरक्राफ्ट्स जो है जो ट्रैवल करते हैं इसमें ट्रोपोपॉज में। अब ट्रोपोपॉज में क्यों करते हैं, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट होता है। आप देख सकते हैं ये सीधी लाइन डिजिग्नेट करती है कि यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है अप टू 20 किलोमीटर्स। तो ये बहुत ही कॉन्स्टेंट लेयर है, यहाँ पे वेदर पैरामीटर्स भी नहीं, मतलब जो सो क्लाउड्स वगैरह भी नहीं होते हैं, रेन्स वगैरह भी नहीं होती है, तो टेम्परेचर और जो कंडीशंस है जो है कॉन्स्टेंट होती है। इसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ट्रोपोपॉज वो लेयर है जो डिवाइड करती है ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। तो उसके बाद यहाँ पे 25 किलोमीटर के बाद, ये 20 से 25 किलोमीटर के इन बिटवीन यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं। बेसिकली जिसकी केमिकल फॉर्मूला है O3, जिसमें ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स तीन कैसे होते हैं, बिकॉज जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन करता है विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के तीन टाइप्स है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए बी एंड सी, उसकी डिफरेंट जो है वेवलेंथ्स है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी जो है वो अप टू 320 to 280 नैनोमीटर्स उसकी जो वेवलेंथ है, मीन्स इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट जो लेयर आती है ट्रोपोपॉज के बाद ओजोन में, जिसमें ओजोन है जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है अप टू -2 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचोगे यहाँ पे टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ ओजोन। मैंने अभी कहा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी जब यहाँ पे अब्जॉर्ब होती है नेचुरली, वहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, तो उसकी वजह से उस लेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट लेयर, वो भी इसमें भी जो है टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट रहता है, जिसको स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। ये जो है डिवाइड करता है स्ट्रेटोस्फीयर को। तो जब हम और ऊपर जाते हैं मीजोस्फीयर का जो है टेम्परेचर और डिक्रीज होता है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है अप टू -92 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे जो है एक तो एटमोसफेयर में ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते हैं, ओजोन भी नहीं होता है, बट यहाँ पे कुछ आयोनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, जो जो है कैप्चर नहीं कर पाते हैं एनर्जी को, तो उसकी वजह से है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो उसके बाद मीजोपॉज नेक्स्ट लेयर है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर थोड़ा सा कॉन्स्टेंट रहता है बट उतना नहीं रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा इंक्रीज होता है और उसके बाद ज़्यादा ही इंक्रीज होता है, यहाँ पे जो ये ग्राफ लाइन है। तो ये मीजोपॉज जो है डिवाइड करता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर बेसिकली एक स्पेस, यहाँ पे स्टार्ट होता है आउटर स्पेस। तो आउटर स्पेस में आपको बाहर की जो रेडिएशन ज़्यादा मिल जाएगी, कॉस्मिक रेडिएशन, जो अदर स्टार्स से एक्सरे रेडिएशन आता है, माइक्रोवेव्स आती है, और भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है जिनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं स्पेस में, वो एक तो प्रेशर की वजह से, वैक्यूम की वजह से और इन रेडिएशन की वजह से वो एस्ट्रोनॉट जो सूट पहनते हैं, स्पेस सूट जिसको बोलते हैं, वो पहनते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे मैंने कहा था टेम्परेचर इंक्रीज होता है अप टू 1200, तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि किस एरिया में है आप, स्पेस के किस एरिया में है, सन है, तो वहाँ पे वैक्यूम कंडीशंस बहुत जो है वैक्यूम बेसिकली जो जिसमें कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, तो जो लाइट जो है डिस्पर्स नहीं होती है, तो आपको वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा मिल जाएगा। जो हम आप ग्राउंड लेवल पे जो हम लाइट देखते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द
इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं बेसिकली, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो स्कैटर करते हैं लाइट को। तो आपको बाहर अगर लाइट है, सनलाइट, तो आपको रूम के अंदर भी लाइट मिलेगी जो बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट। तो ऊपर जो स्पेस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे डस्ट नहीं होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, तो वहाँ पे लाइट स्कैटर नहीं होती है। तो वहाँ पे डायरेक्ट लाइट जो पड़ेगी वही आप देख सकते हो, अदर जो जो है स्कैटर लाइट नहीं देख सकते हो आप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने कहा था कि बाय वॉल्यूम रिलेटिव परसेंटेज क्या है डिफरेंट गैस की। एक तो होता है, दो टर्म्स हैं यहाँ पे मैंने बाय वॉल्यूम मेंशन किया है, दूसरी टर्म होती है बाय मास। अगर आप गिलास में या बोतल में हवा भरते हैं तो उसमें आप देखोगे कि एक बोतल का वॉल्यूम होता है। तो उस वॉल्यूम में फॉर एग्जांपल 1 लीटर वॉल्यूम में कितना परसेंट किस गैस का है, तो ये हमने मेजर किया। दूसरा होता है बाय मास। अगर हम केजी में यूनिट केजी यूनिट में हम देखेंगे किसी भी बॉडी का मास क्या, तो उसमें किस टाइप की क्या परसेंटेज है। तो वॉल्यूम बेसिकली यूज होता है फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, एंड बाय मास बेसिकली सॉलिड्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है गैसेस कंपोनेंट है, तो इसमें नाइट्रोजन 78.09 एवरेज में बता रहा हूँ, ये एवरेज कंडीशंस में है परसेंट है। ऑक्सीजन 20.93 है, इसको 21% भी बोलते हैं। फिर ऑर्गॉन, ये नोबल गैस है, ये रिएक्ट नहीं करता है। तो नाइट्रोजन भी रिएक्ट नहीं करता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन, खाली ऑक्सीजन ही नहीं लेते, तो हम नाइट्रोजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, ऑर्गॉन भी लेते हैं। तो उसमें खाली ऑक्सीजन ही रिएक्ट करता है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, बाकी जो ये नाइट्रोजन है वापस छोड़ते हैं हम। तभी इसकी क्या है अब खसूसियत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप देखोगे जो स्विमर्स होते हैं, डाइवर्स होते हैं ना, जो समंदर में जाते हैं, तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स में खाली ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें हीलियम भी होता है कुछ कुछ ज़्यादा परसेंटेज। बिकॉज अगर ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा तो ज़्यादा रेस्पिरेशन होगी एंड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। पर नेचर ने पहले ही रखा है कि कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन अगर हो जाएगा बॉडी में तो ज़्यादा रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। तो उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन जो है ये बहुत ही अभी इंक्रीज हो गई है, ये 0.04 है। जब मैं पढ़ता था पीजी तब वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे वो बोलते थे कि हर साल 1 PPM बढ़ता है, मीन्स 1 पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में मीन्स 10 लाख हिस्सों में एक हिस्सा हर साल कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है। अब तो रेट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई होगी बिकॉज ऑफ दो जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, चाहे हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, कोल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें ये कंसनट्रेशन जो है इंक्रीज होती है। उसके बाद मेसिलिनियस जो अदर गैसेस है ये वेरिएबल है, जैसे वाटर वेपर्स है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, तो ये वेरिएबल्स है, ये वेरी कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। अगर ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ आपको बहुत ही पोल्यूटिंग गैसेस मिलेंगी, नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा आपको, क्या बोलते हैं इसको, ओजोन मिलेगा, जो भी मतलब अदर गैसेस है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। बट ये जो तीन गैसेस है, एक दो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी इंक्रीज होती है, बट उतना इंक्रीज नहीं होता है। ये था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की क्या फंक्शंस है, एटमॉस्फेयर जब एग्जिस्ट करता है इसकी कुछ ना कुछ तो फंक्शंस होंगी। तो पहला ही फंक्शन है, इट मेंटेन्स हीट बैलेंस ऑन द बाय अब्जॉर्बिंग अल्ट्रा इंफ्रारेड रेडिएशंस। जो मैंने अभी कहा जो ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होते हैं जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जो सोलर रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, एंड उसमें अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन होती है। तो 46% ऑफ जो लाइट आती है, जो एनर्जी आती है फ्रॉम द सन, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट जो हम आंखों से देखते हैं। और जो अदर 46% है उसमें थोड़ा सा इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, और जिसकी एनर्जी लेस देन विजिबल जो लाइट होती है। उसके बाद हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, मीन्स जो वायलेट कलर से ऊपर उसकी जो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अभी मैं कह रहा था आपको कि अर्थ का जो टेम्परेचर अगर
हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यही जो गैसेस है, कुछ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये अर्थ का जो है हीट बैलेंस को मेंटेन करते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद जो है ये डिस्पर्स होती है हीट इन द एटमॉस्फेयर। अगर नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा एक पूरा, वैसे हम वो लास्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हीट आती है फ्रॉम द सन, कितना परसेंटेज कहाँ डिस्पर्स होता है, कितना एब्जॉर्ब होता है। तो मोटा मोटा आपको मैं बताऊंगा, जितनी भी हीट ऊपर से आती है, लाइट आती है सन से, तो उसमें 30% पहले ही रिफ्लेक्ट होती है बाय द क्लाउड्स। उसके बाद 70% एटमॉस्फेयर जो है उसमें एब्जॉर्ब होती है, फिर जो सरफेस ऑफ अर्थ उससे रिफ्लेक्ट होती है, जिसको एल्बिडो कहते हैं। कितना परसेंट जो है रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम द सन, तो अर्थ का एल्बिडो है इट इज 30%। मीन्स 30% ऑफ रेडिएशन जो अर्थ पे गिरती है, अर्थ की सरफेस पे गिरती है, वो रिफ्लेक्ट होती है बैक टू द स्पेस। तो जो भी रेडिएशंस है इंफ्रारेड रेडिएशन, ये एटमॉस्फेयर हमारी जो जो है हीट बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर इन गैसेस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई बिकॉज ऑफ सर्टन जो है सोर्सेस, इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्रीज होगी अगर जो ब्लैक कार्बन वगैरह की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो रेडिएशन है डिक्रीज हो जाएगी, तो अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज है डिक्रीज होता है। तो उसके बाद जो गैसेस कंस्टिट्यूएंट्स है मेन, जिसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इट सपोर्ट्स लाइफ। जितनी भी लाइफ है अर्थ पे, देखो प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, रात के टाइम वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो दिन के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ लेते हैं और कार्बन ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात के टाइम वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो कुछ प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो इसीलिए कहते हैं रात के टाइम आपको जो है ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए, एक्सहेल्स वो बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, दिन के टाइम वो फ्रेश एयर देता है। तो ऑक्सीजन जितनी भी लाइफ है उसको सपोर्ट करता है, बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिजम्स दे यूज ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन इन द जो उनकी बॉडी है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपको पता ही है, इट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, एक कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस में। कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, तभी जाके वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एंड देन डिफरेंट मेटाबॉलिज्म पाथवेज की जो है पाथवे से वो डिफरेंट फॉर्म्स में स्टोर होता है, इन द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और डिफरेंट अदर जो है कंपोनेंट्स होते हैं उसमें स्टोर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिज्म क्या है। बट मेजर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से ही फोटोसिंथेसिस होती है, और अदर गैसेस यूज नहीं हो सकते। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो मेजर अगर आप आगे जाके देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल, हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन का क्या रोल है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जितनी भी लाइटनिंग होती है कृष्णपट्टनम, तो वहाँ पे नाइट्रोजन जो रिएक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जो लाइट की एनर्जी होती है, लाइटनिंग की एनर्जी होती है, तो उसमें नाइट्रोजन रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन, तो वो नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन्स, तो वो फर्टिलाइज करता है जो हमारे सॉइल्स वगैरह को, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। और कुछ और प्लांट्स होते हैं जैसे लिग्यूम्स, बीन्स वगैरह होते हैं, उनमें जो है बैक्टीरिया होता है एनाबिना, और रूट्स में भी होता है राइजोबियम, वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, वो प्लांट्स की ग्रोथ में मदद देता है उनको, जो है उनका एक न्यूट्रंट है, मेजर न्यूट्रंट है नाइट्रोजन।